तो आज हम जानेंगे ब्लू ओरिजिन कंपनी के बारे में और समझेंगे कि अब तक के अपडेट क्या है और आगे के उनका एम क्या है। तो वेलकम टू आवर चैनल स्पेस टॉक। ब्लू ओरिजिन एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो amazon.com फाउंडर जेफ बेजोस ने ईयर 2000 में बनाया था। इनका एम है कि स्पेस टूरिज्म को आगे बढ़ाना, तो उसके लिए इन्होंने डेवलप किया न्यू सेफर्ड नाम का एक रॉकेट जो रियूजेबल भी था। और ईयर 2000 में कंपनी बनने के बाद 2015 में उन्होंने पहली सक्सेसफुल टेस्टिंग की न्यू सेफर्ड रॉकेट। फिर उन्होंने 2015 से 2021 तक 15 फ्लाइट किया जो अनक्रूड थी, मतलब उसमें कोई भी इंसान नहीं बैठा था। बस उन्होंने रॉकेट की टेस्टिंग, कुछ यूनिवर्सिटी रिसर्च वर्क, कुछ साइंटिस्ट के वर्क को एक्सपेरिमेंट किया लॉन्च करके उस रॉकेट में। अब समझते हैं कि न्यू सेफर्ड रॉकेट ने सक्सेसफुली कब क्रू मेंबर को स्पेस टूरिज्म कराया। तो वो डेट थी जुलाई 20, 2021 में, जब पहली बार इस रॉकेट में 4 लोग सब ऑर्बिट के लिए ये रॉकेट लॉन्च किया गया। सब ऑर्बिट का मतलब होता है कि रॉकेट ऑर्बिट अचीव नहीं करेगा। ऑर्बिट अचीव करने का मतलब कि रॉकेट अर्थ का चक्कर नहीं लगाएगा, सिर्फ ऊपर जाएगा कुछ देर के लिए, फिर वो नीचे फ्री फॉल अर्थ पर लैंड कर दिया जाएगा। तो ये मतलब होता है सब ऑर्बिट, और ऑर्बिट मतलब होता है अर्थ के रिवॉल्व करना। तो 20 जुलाई को पहली बार न्यू सेफर्ड ने स्पेस टूरिज्म के लिए 4 लोगों को स्पेस में ले गए। उन 4 में से पहले जेफ बेजोस थे, दूसरे उनके भाई और 2 और लोग थे। फिर जुलाई के बाद नेक्स्ट लॉन्च किया गया अक्टूबर में, उसमें भी 4 लोग गए थे। फिर लॉन्च किया गया दिसंबर 2021 में, उसमें 6 लोग गए थे। तो ब्लू ओरिजिन की कंपनी में स्पेस टूरिज्म को लेकर अभी तक 14 लोग जा चुके हैं। 2022 में अभी एक भी फ्लाइट नहीं हुआ है। अब समझते हैं कि स्पेस टूरिज्म लॉन्च होगा कैसे। तो उसके लिए न्यू सेफर्ड रॉकेट में इंजन यूज किया जा रहा है BE-3PM इंजन, जो लॉन्च होने के बाद 2 मिनट 45 सेकंड तक चलेगा। उसके बाद फिर न्यू सेफर्ड रॉकेट का फर्स्ट स्टेज कैप्सूल से अलग हो जाएगा। कैप्सूल फिर लगभग 4 मिनट तक फ्री फॉल रहेगा स्पेस में, और उसकी दूरी होगी अर्थ सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर, जो कार्मान लाइन है। 100 किलोमीटर कार्मान लाइन है जिसके ऊपर हम मानते हैं स्पेस। तो ये कैप्सूल उस कार्मान लाइन को क्रॉस करके हुए 4 मिनट तक फ्री फॉल रहेगा, और उसी में दूसरी तरफ फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यू सेफर्ड रॉकेट का वापस अर्थ पर लैंड कर दिया जाएगा। और ये पूरे स्पेस की जर्नी लगभग 25 मिनट की रहेगी। तो ऐसे किया गया है स्पेस टूरिज्म। अब जानते हैं कि आगे का गोल क्या है ब्लू ओरिजिन का। तो न्यू सेफर्ड रॉकेट सिर्फ सब ऑर्बिट पे रहेगा, मतलब ये रॉकेट क्रू मेंबर को ऑर्बिट पे नहीं ले जा सकता। उसके लिए ब्लू ओरिजिन एक नई रॉकेट पे काम कर रही है जिसका नाम है न्यू गैलन। वो अभी अंडर डेवलपमेंट में है, लेकिन न्यू गैलन रॉकेट ऑर्बिट में भी जा सकता है, मतलब अर्थ का रिवॉल्व भी कर सकता है। तो उसको यूज किया जाएगा स्पेस टूरिज्म और कुछ पेलोड को भी ऑर्बिट में ले जाने के लिए। और लास्ट में न्यू सेफर्ड और न्यू गैलन कैसे रखा गया रॉकेट का नाम। न्यू सेफर्ड इसलिए रखा गया क्योंकि फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो थे स्पेस में गए थे उनका नाम था एलन सेफर्ड, तो वो उनके नाम पे रखा गया। और न्यू गैलन नाम रखा गया है फर्स्ट अमेरिकन जो ऑर्बिट पे गए थे, उनका नाम था जॉन गैलन, तो उनके नाम पे ये रॉकेट रखा गया। तो ये थी पूरी अपडेट ब्लू ओरिजिन कंपनी के बारे में स्पेस टूरिज्म को लेके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्पेस से रिलेटेड अपडेट लाता रहता हूँ, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।